हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 12th। टुडे वी डिस्क्राइब दिस टॉपिक्स दैट इज ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स क्या है, ब्लड ग्रुप्स का क्यों दिया गया, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या इम्पॉर्टेंस है, इनको वन बाय वन एनसीईआरटी के टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर्स टू द सिमिलर। इसमें जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमंस का जो ब्लड्स होता है वो सर्टेन डिफर होता है, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ब्लड हैज बी डन, और जिसके रीजन से ब्लड के वेरियस ग्रुप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं। टू सच ग्रुपिंग, जिनमें टू सच ग्रुप्स द ए बी ओ एंड आर एच, जिनमें ये दो ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स एंड आर एच, वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, जो यहाँ पॉइंट फोकस किया जा रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ एंड आर एच, दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द ब्लड, और इसी को डॉक्टर जो है ब्लड डोनेशन में इसी को चेकअप करते हैं, ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ एंड जो इस पर लगने वाला फैक्टर्स है आर एच, और इसी को डॉक्टर चेकअप करके ब्लड का डोनेशन करते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स अगर सिमिलर नहीं होती है तो उसमें क्लाटिंग हो जाती है, कभी कभी ब्लड ग्रुप सिमिलर होने पर फिर भी क्लाटिंग हो जाती है, तो उसके लिए आर एस जो है नेक्स्ट फैक्टर का डिस्कवरी किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी है यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और जो आर एच यहाँ वर्ड आपको दिया जा रहा है आर एच, तो आर एच जो है यह एक रहीसस स्पीसीज ऑफ मंकी होती है, रहीसस मंकी, तो रहीसस मंकी के में डिस्कवरी किया था, जिसे लैंडस्टीनर और बीनर ने किया था। तो रहीसस मंकी में करने के रीजन से इसको आर एच नेम दिया गया। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ये ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, उसके बाद फिर आर एच को चेक करेंगे। द ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ ग्रुपिंग, ए बी ओ ग्रुपिंग is based on the presence or absence of two surface antigen। तो स्टूडेंट्स, ये ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप्स होता है यह बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स, एंटीजन के सरफेस पर एंटीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस पर नाम दिया गया है, जिससे केमिकली दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस, ओके, ऑन द आर बी सी एंड आर बी सी नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज,
तो स्टूडेंट्स ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है, नेचुरल एंटीबॉडीज होती है, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजेंस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक एंटीजन देखेंगे, एक एंटीबॉडीज देखेंगे, जिसमें यहाँ जो एनसीईआरटी का टर्म आपको कह रहा है कि प्लाज्मा डिफर इंड्यूस कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में टू नेचुरल एंटीबॉडी होती है। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप्स। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो है कि फोर ग्रुप में डिफरेंशिएट हैं ब्लड में, जिससे हम लोग जो है कि ए बी और ओ नाम देते हैं, जिसे टेबल 18.1 में हम चेक करेंगे। यू प्रोबेबली नोन दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स ब्लड डोनेशन के समय एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, हम कोई भी ब्लड यूज नहीं कर सकते हैं। द ब्लड ऑफ ए डोनर है द केयरफुली मैच, जो डोनर है जो ब्लड देता है उसका केयरफुली मैच होनी चाहिए विद द ब्लड ऑफ ए रिसिपियंट, जो ब्लड लेता है। कहने मीन्स है कि जो डोनर एंड रिसिपियंट, तो डोनर का जो ब्लड ग्रुप्स है रिसिपियंट के ब्लड ग्रुप से मैच करना चाहिए बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ क्लंपिंग। तो ब्लड डोनेशन में जो है ये प्रॉब्लम आती है क्लंपिंग की, यानी ब्लड क्लाटिंग की, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और क्लाटिंग में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। द डोनर इज कैपेबिलिटी इज एज शोन इन टेबल 18.1। तो ये डोनर और रिसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप्स का टेबल्स है 18.1 में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो है कि दो वर्ड सभी देख रहे हैं, जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, ये दो वर्ड शो किया जा रहा है, तो इसको फिर हम एक बार चेक कर। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक एंटीजेंस वर्ड है जो यहाँ पे देख रहे हैं, और सेकेंड जो है एंटीबॉडीज। तो इसमें से ये एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी ये प्लाज्मा में पाया जाता है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में डिजॉल्व प्रोटीन्स होता है, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि द प्लाज्मा डिफरेंशिएट इंटीवर्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा में जो है नेचुरल एंटीबॉडीज होता है, और एंटीबॉडीज क्या होता है, दैट इज प्रोटीन्स, या प्रोटीन्स होता है। और ये एंटीजेंस क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर मेम्ब्रेन पर एंटीजेंस अटैच होते हैं। इसी एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है ब्लड डोनेशन के समय। तो हम टेबल 18.1 में ये शो किया जा रहा है कि ब्लड ग्रुप हमारे फोर टाइप के हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप्स है। नेक्स्ट है एंटीजन ऑन आरबीसी पर के सरफेस पर एंटीजेंस, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंड डोनर ग्रुप्स। स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इस पर एंटीजेंस, इसके आरबीसी पर एंटीजन ए होगा, और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है बी होता है, और यह ब्लड डोनेट कर सकता है। और इसका जो डोनर ग्रुप है, जो ये ब्लड ग्रुप ए का पेशेंट है, ये ब्लड ग्रुप ए और ओ का ब्लड ले सकता है, ए एन ओ। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट को अच्छे तरह याद रखेंगे कि जो यहाँ एंटीजन शो किया जा रहा है, तो कहने मीन्स है कि जो ब्लड ग्रुप्स होगा एंटीजन वही होगा, जो ब्लड ग्रुप्स होता है उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन उसी प्रकार का होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी है, ब्लड ग्रुप्स अगर बी है तो उसके सरफेस पर एंटीजन भी बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो
आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए बी है, ओके। तो ये थ्री पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, ये थ्री ए बी एंड ए बी, कि जो ब्लड ग्रुप्स है उसके सरफेस पर उसी ही टाइप का एंटीजेंस होगा। जैसे आप यहाँ देख लिए कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन जो है ए बी है। लेकिन ब्लड ग्रुप अगर ओ हो जाता है तो इसके सरफेस पर कोई एंटीजेंस नहीं होता है। एंटीजेंस न होने से, एंटीजन यहाँ नील लिखा है, नील मीन्स ज़ीरो, तो इसके सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होगा। और एंटीजन न होने से यह ब्लड ग्रुप ओ अपना ब्लड सभी टाइप आल टाइप के ब्लड ग्रुप्स डोनर को, आई एम सॉरी रिसिपियंट को दे सकता है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो स्टूडेंट्स अगर एंटीबॉडीज़ की हम बात करें तो एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट दिखाया जा रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए कि ब्लड ग्रुप्स अगर ए है तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ क्या है, बी है, जस्ट अपोजिट। ए है तो बी है, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी जो है ए है, और ब्लड ग्रुप्स ए बी है तो यहाँ कोई जो है इसके प्लाज्मा में किसी भी टाइप का एंटीबॉडीज़ नहीं होगा, नील। तो एंटीबॉडी न होने से यह ब्लड ग्रुप जो ए बी है ये सभी टाइप के ब्लड्स को रिसीव कर सकता है। और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ ए बी दोनों है, तो दोनों एंटीबॉडी हैं, तो एंटीबॉडी होने का मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है किसी का ब्लड नहीं ले सकता है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ हम बात कर लेते हैं। हमने देख लिया कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन बी, एंटीजन वही होगा, और एंटी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन जो है ए बी होगा लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन इसका एंटीबॉडीज ए बी दोनों है। अब डोनर ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो जो ब्लड ग्रुप ए है ये ब्लड अपना ए सॉरी ब्लड ग्रुप जो ए है यह इसके डोनर ग्रुप ए और ओ हैं, कहने मीन्स ये ए का भी ब्लड ले सकता है और ओ का भी। और ब्लड ग्रुप बी है तो इसका जो डोनर ग्रुप है बी है और ओ है। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके डोनर ग्रुप जो है ए बी और ओ। और ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका डोनर ग्रुप केवल ओ है। तीसरे से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स हमारा जो है ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी ये आल टाइप के ब्लड को ले सकता है, सभी टाइप के ब्लड्स को, सभी टाइप के ब्लड को ले सकता है, ये हम देख रहे हैं। तीसरे से ब्लड ग्रुप जो ए बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है जो आप यहाँ देख रहे हैं यह। तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। और जो ये ब्लड ग्रुप्स स्टूडेंट्स ये ओ देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप जो है जब का ये ओ है तो ओ क्या कर रहा है कि ऑल टाइप ब्लड को ब्लड दे रहा है। जिससे आप यहाँ देख रहे हैं ए को भी ब्लड दे रहा है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तीसरे से ब्लड ग्रुप जो है ओ है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। From the above mentioned table, it is evidence that group O blood can be donated to person with any other blood groups and hence O blood groups individuals called universal donor. This one is in CRT में दे रहा है कि जो blood groups आपका यह O है तो blood group O जो है यह donate कर रहा है, और किसको डोनेट कर रहा है, एनी अदर ब्लड ग्रुप्स, किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर रहा है। इसलिए जो ब्लड ग्रुप वो है इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कार्ड, यूनिवर्सल डोनर नाम दिया जाता है। पर्सन्स विथ ए बी,
जो पर्सन ए बी का ब्लड ग्रुप का है, पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप्स। जो पर्सन ए बी है यह जो है ए बी का ब्लड ले सकता है और यह अदर ग्रुप का भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ है यूनिवर्सल डोनर हो गया और ए बी जो है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये ब्लड ग्रुप आपका कम्प्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आर एस फैक्टर की बात करेंगे। सो थैंक्स।